भाई साहब ने कोई इतने एक तू सुना दे इतने मैं चाय पानी पीऊं। आओ जी आंचल जी शाबाश। हेलो 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 आइए एक बात आपके बीच में ड्यूटी रहेगी। शाबाश कहां से श्रोताओं हेलो के जब जानी चोर ब्राह्मण का भेष बना के उस धम्मल सुनार के बाने के आगे जाके आवाज लगाता कि भाई किसी को पत्रा दिखाना हो किसी को हाथ दिखाना हो तो सोना देख की मां उस पंडित जी को बुलाती। जानी चोर पंडित के भेष में होता हुआ जब उस सोना देख की मां की तरफ गया तो हाथ जोड़ लिए के दादा मेरा भी हाथ देख। तो जानी जान वो जानी चोर बताता कि आपका हाथ देखने की जरूरत नहीं आपके माथे की रेखा बताती कि आपके जमाई को घर से गए 12 साल हो गए। जब इतनी बात की तो पाया लेटकी के दादा न्यू भी बता दे क्या वक्त का कि ठीक रात के 12 बजे आज तेरा जमाई तेरा घर आवेगा। श्रोतवाद ही रात हो जाती वही जानी चोर भेष बदल के बना के बटे का भेष धम्मल सुनार के बारने के आगे जब जाके पूछने लगा कि वो 12 साल पहले आता पता नहीं कौन सा मकान है। इस तरह की आवाज लगाता उसकी सासू माँ से बुलाती कि बेटे यही वो तेरा मकान है जो 12 साल पहले आता महलों के अंदर ले जाती है। चाय पानी पिला जब सोने का इंतजाम किया सोना दे और वो जानी चोर बटेऊ के भेष में कैसे आपस में तकरार होती है कैसे उल्हाने देती है एक बात के द्वारा सोना दे। हेलो 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 देखिए सोना दे राम राम मक्खन राम राम। अरे मैं सच देख रही हूँ कोई मेरा सपना है बिल्कुल सच सच सच। अरे अरे आप पिया जी आज ऐसे कैसे 12 बारह लेकिन सोना दे जी एक बात बता तू प्यार तो बोलना चाहिए देखिए इतनी छो मारी इतनी नाराज हो रही प्यार से। हाँ 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 12 साल भी आया है 12 साल कितने होते जी 12 साल देखियो 12 साल तो 12 साल कल तो 12 साल में 12 बालकन पैदा कर देगी लुगाई। अरे तो फिर देखो उस टाइम तो अपनी उम्र के थी पागल ईव अपनी उम्र हो इतना लेके चलूंगा ईव घबराने की जरूरत नहीं सोना दे अब वापिस नहीं जाने का खाली। अब तुम मेरे साथ मीठी मीठी बातें करोगे नहीं मीठी मीठी जरूर करूंगा बताओ क्या पूछना चाहते हो। मैं आपसे गुस्सा हूँ मेरे से गुस्सा हो नाराज हो किस बात पे किस बात पे कि 12 साल पहले लुगाई की कोई खबर नहीं आई कोई याद नहीं आई कैसी है वो कैसी नहीं है। बहुत याद आई सोना दे आज 12 साल लेकिन मैं भी काम सीखने के लिए विदेश में गया हुआ था विलायत में गया हुआ था। तुझे काम सीखने में 12 साल लग गए। हाँ बिल्कुल अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कारीगर बताइए क्या पूछना चाहती हैं। सुनिए मेरी बात शाबाश ओ
हेरा मत ना रोवे सोना दे मेरी गल्ला चालिए तेरे को तो खुशी होनी चाहिए इतना गम है इस चीज का। अरे अच्छा
अच्छे से रहती है। पियाजी मुझे देखो तुम, मेरी क्या हालत कर दिया। लेकिन सोना दे तू लगती को नहीं के दुखी है। अच्छा मैं दुखी हूँ? अरे मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी दुखी हूँ। दिल जानता? हाँ के कहे दिल बताइए। सुन मेरी बात। यशपाल जी अकबरपुर बहुत आदरणीय 151 रुपए मुंह दिखाई गए तेरे। देख लो ना कल्लू दादा साइड जाइए एक बारी सोना दे। हाँ जी ये ऋषि पाल जी यादव मुंह दिखाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं कल्लू दादा। और हमारे कल्लू दादा भी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हाँ। इनका भी बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बताइए सोना दे। लेकिन पियाजी आज मेरी 12 साल बाद मुंह दिखाई हुए है। बिल्कुल ये रुपये तो थोड़े है पर थोड़े को नहीं है बहुत हो जाएगी टेंशन क्यों ले रही है। हाँ ये पता है लग गया है सोना दे तेरा तब न लेकर आज कुछ भी मिल जा रही इनका नाम के दौरे मिल जाएगा तेरे पूरा हजार। इनने लॉकडाउन में तो बड़े काटे हैं, किसी ने 100 किसी ने 5000 और पियाजी कहिया की तो कुटाई भी हुई है। कुटाई हुई? हाँ कुटाई क्यों? पियाजी पूछने लगे रुपये की ताई कह लगी थी जो आप देख जाया कर तुमने छुपा छुपा कर रखा करती। मतलब भेद पा गया सारा। हाँ भेद पा गया। और देखे डाटे मार मार के तनु बैठी है जो बैंक लूटन आ रही से। अच्छा एक बात बताओ जो हम बात गा रहे हैं अलग अलग कलाकार अपने अपने माध्यम से बात कह रहे हैं आपको समझ आ रही है? आ रही है क्या? तो विदेश में आ रही है बेरानी है, सब विदेश में तो नहीं आ रही लेकिन हरियाणा तो यूपी में जरूर आ रही है। बात नहीं हाँ फर्क कितना है? हमारा इलाका है हमारे से तो मिला ठीक है इलाका तो सबका होता है। हरियाणा ले कौन समझे यूपी की खूब समझे। हाँ हमारी तो समझ जाएंगे तुम में थोड़ी थोड़ी दिक्कत लगती है। अरे कोई दिक्कत नहीं सोना दे ऐसे मेरे साथ की सारी चोरी पर पूर बाण में मार चाहे पुचकार पश्या में अच्छा तेरे उलाण में मार चाहे पुचकार पश्या में तेरे उलाण में मारा तेरा होगा फैसला उसके हर के था हद करती गाने में सूरत सिंह कलावर के हद करती गाने में
समझ में तो खूब आई होने का बहस है, समझ में तो खूब आई नहीं गए, फिर थोड़ा हम माहौल दूसरा हो गया, टाइम भी दूसरा हो गया, स्वाद तो पूरे लेने लग रहे हैं कि किसी भी चीज के माध्यम से ले रहे हो। हेलो आइए अब आपके